Corner? Corner? Guys, guys, मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ और सामने दिख रहा होगा वो वैसे ही है। कोई कपड़ा ऊपर से आया, मैं सोच रहा हूँ गाइस सच में ये हॉन्टेड है, बहुत हॉन्टेड है। आवाज ही आना इस तरीके से, वो कितनी पुरानी बिल्डिंग आप खुद समझ सकते हो यार। लाइक ये ट्री आ गया यहाँ पे एंड सेम वॉशरूम, अब वॉशरूम एंड बाथरूम। कौन है देख तो समझ नहीं आ रहा है यार, ये आवाज है। सेम फ्लैट, कौन है? कौन है? कौन है? गाइस अगर आप हाईवे देख पा रहे हो तो बोरा हाईवे एंड और ये पानी की टंकी हुआ करती थी, आई थिंक एक पानी टंकी वहाँ पे शायद इसके ऊपर रखते थे पानी टंकी, और मैं छत पे हूँ और सामने दूसरी, कौन है? कौन इधर से आवाज है? कौन है? देखिए जो भी आप सामने आओ, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। लाइक या दर्द से चले जाओ। कौन है? सर बता रहा हूँ
भाई बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये देखो ये देखो, कौन है कौन है? ये पता नहीं कहाँ से ऊपर से आई। गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी है सामने आओ, क्या कोई डराने के लिए कर रहा मुझे ये कि मैं डर जाऊं एंड मैं यहां से निकल जाऊं? अब वो डराने के लिए कर रहा है तो मैं डरने वाला हूं नहीं। कुछ नीचे गए चले जाओ, आप मुझसे बातें करें अगर कोई है तो। समझ से नहीं, कौन है? यार बाहर ऊपर कोई दिख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। मैं हिम्मत नहीं, कौन है? यार गाइस डर लग रहा है। और जो चर्सी वर्सी आई थी वो यहाँ पे कोई था? यार कौन है? यहाँ पे बड़ा रिस्की सा लग रहा है। ये बाहर था एंड ये जस्ट मेरे को लगा जस्ट किसी ने खींच के मारा हो एंड ये बहुत जोर के लगा। यार कोई है जो भी सामने आओ। सेम बाथरूम एंड वॉशरूम किचन। पैर पे लगा बहुत जोर थी। किचन एंड रूम एंड गाइस आई थिंक इट्स बालकनी। इस कोई अगर बाहर खाना बनाना चाहता था उसके लिए बाहर यहाँ पे बनाते हुए खाना और रूम और सब्जी। अभी लाइक ये आई थिंक सब्जी है और फ्रूट क्या आई डोंट नो कि है क्या, बट बस मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ।
कोई चूल्हा छोड़ के चला गया अपना जो उसने जो बाहर खाना बनाता ये रहा किचन लाइक वो गैस वैसे खाना बनाने के लिए यहाँ पे कुछ आवाज़ है और लाइक बाहर खाना बनाने के लिए लकड़ी वकड़ी से वो यहाँ बनाते होंगे बट घोस्ट एक्टिविटी की वजह से अब सब बंद हुआ गाइस कौन है कौन है कौन है कौन है कौन यहाँ कोई है कौन है गाइस यार इट्स वेरी रिस्की कैसे कौन मैं अब पता ही कौन है कौन है जो भी सामने आओ गाइस इस फ्लैट में एक्टिविटी हो रही है बहुत ज़्यादा ही तो लाइक इस पूरी बिल्डिंग में एंड आप देख रहे होंगे 11 नंबर किसी का 11 नंबर होगा एंड यहाँ पे लोगों ने पूजा पाठ किया एंड सब कुछ किया बट जो एक्टिविटी है वो रुकी नहीं अब देख रहे हो ये टांग ये जो ये दिख रहा आपको ये वो बांध के देते हैं जो मौलवी लाइक मुस्लिम तांत्रिक होते हैं वो ये बांध देते हैं ताकि आपके घर में कोई जिन्नात लाइक कोई शक्ति ना आए बट इसके बांधने का भी कोई फायदा नहीं हुआ एंड कोई है कौन है ये चीज कोई है ये चीज बार बार दिख रही है भाई एक आवाज़ है बार बार कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ मैं एक बार ऐसे में बाहर निकलता हूँ एंड मैं डी ब्लॉक के अलावा भी किसी फ्लैट में घुसने की कोशिश करता हूँ लाइक कि ये डी ब्लॉक का फ्लैट है भाई यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है बहुत ज़्यादा ही तो यार किसी और फ्लैट में चलते हैं देख रहे हो गया मैं नीचे आ गया और देखो ज़्यादा इतना टाइम भी कोई एक्टिविटी है भाई कोई है यहाँ दिख रहा है बार बार कोई है कोई है जो भी है सामने आओ कई लोग बोल रहे होंगे बाहर निकल गया तो बोल छोड़े बोल रहे देखो डर सबको लगता है गला सबको सूखता है मैं इस फ्लैटों के अंदर था मेरे को बहुत डर लग रहा था फिलहाल जैसे मैं बाहर आया हूँ गाइस कौन है कौन हो आप कौन हो आप वहां से भी आवाज इस फ्लैट से और यहां से यार सामने फ्लैट से भी आवाज आई कुछ
वो देखो वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, देखो, देखो कुछ है जो भाग के ऊपर गया है। और लाइक ये आवाजें यहाँ से आना यार समझ के परे है, लाइक यहाँ से आवाज आ रही है यार, आई डोंट नो किस साउंडिंग कर रहा है। देखो वहाँ वो वाला खाली पड़ा हुआ है, कौन है? तो बस जस्ट एक बार मैं इसको देख के आता हूँ कि यहाँ पे कुछ है एक्टिविटी या नहीं। ये तो कोई जानवर है, अरे फ्लैट में आया ना। देखो यार यहाँ पे लाइक ओ चिपकली विपकली है, बट कोई है नहीं, नथिंग। यहाँ मौसम यहाँ पे ना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बट अगर हम उस वाले फ्लैट में आ रहे हैं तो हमें गर्मी फील हो रही है। ये आपकी जगह है, आप रहिए और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। एंड आई नो कि आप किसी को देखना नहीं चाहते, तो इसलिए आप ये आपकी जगह, आप यहाँ पर रहे और आप किसी को यहाँ पर देखना नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ पे लाइक लोगों को डराते हैं या फिर ये जो जो भी है होता क्या, सबकी अपनी जगह होती है, बहुत पैसों में खरीदा होगा या फिर लाइक एक ही परिवार के अगर छः लोग ख़त्म हो गए होंगे तो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खुश होंगे। फिलहाल यार गाइस मैं से निकलता हूँ क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। ये सामने पूरा फ्लैट हॉन्टेड है एंड उसकी वजह से, उन आवाज़ों की वजह से ये फ्लैट भी लोग खाली करके चले गए, मीन्स बी ब्लॉक भी लोग खाली करके चले गए और ए बी सी डी लाइक सब खाली करके लोग जस्ट बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक। तो गाइस यहाँ से थोड़ा निकलना ही ठीक लग रहा है, मैं निकलता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ यार। गाइस मैं वहाँ से निकल के आ गया उस फ्लैटों से, एंड लाइक ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर, एंड पता है पूरे फ्लैट खाली है, लाइक ना ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग खाली, दो बिल्डिंग खाली है, लाइक मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना, पूरे लाइक एक ब्लॉक की वजह से, लाइक डी ब्लॉक की वजह से ए बी सी डी ई एफ जी लाइक सबके सब लोग खाली करे चले गए। लाइक मैं डी ब्लॉक के सामने जो बी ब्लॉक था मैं उसमें घुसा, यानी घुसने के बाद लाइक एक होता है ना वाइब्स आती है, आपको डर लगता है ऐसा कुछ होता है। बी ब्लॉक में आते ही लाइक जो इन्वायरमेंट था ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप लोग ना पहचानते कैसे हो कि भाई यहाँ पे भूत है कि नहीं, जहाँ पे लाइक आप देखो यहाँ पे ना, जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ यहाँ पे क्या गर्मी लग रही, लाइक हल्का हल्का सा मौसम ठंडा लग रहा है, ये सब कुछ लग रहा है। अगर मैं उन फ्लैटों में जा रहा हूँ जहाँ पे घोस्ट है कुछ है, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। जैसे मैं डी ब्लॉक में गया तो लाइक मेरे को पसीने पसीने से गर्मी गर्मी जैसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आस पास है जो कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। मैं सामने गया बी ब्लॉक में, वहाँ बहुत ही नॉर्मल सा, लेकिन मेरे को ठंड जैसे मेरे को बाहर लग रहा था वैसे ही मेरे को अंदर भी। अब कई लोग बोलेंगे भाई जो नया नया घर बनता है तो वहाँ पे हमें ठंड लगती है, भाई वो चीज़ अलग है। हॉन्टेड प्लेस जहाँ पे कोई भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, वो चीज़ अलग होती है। एंड जब नया घर बनता है, पुराना घर बनता है, पेंट करते हैं या फिर कुछ और चीज़, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। कहने को कुछ भी कोई मजाक कर सकता है, कोई भी कर सकता है भाई आपकी जिंदगी फन कोई भी ले सकता है, बट जो सच्चाई है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार आप कैसे पहचाने कि कोई जगह हॉन्टेड है, कोई जगह एनर्जी है या नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं नहीं बता सकता आपको यूट्यूब पे कि भाई ये जगह हॉन्टेड है कि नहीं है, वो चीज़ें मैं बताने बैठ जाऊँ तो सभी लोग तांत्रिक बन जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, वीडियो चलिए तो लाइक कमेंट से चलें, पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।